हेलो नमस्कार जी। बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2023, जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की तरफ से बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं भाई। अगर आप CBSE से 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं और CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम दे करके आप रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चला है। CBSE बोर्ड का रिजल्ट्स किस तिथि को जारी किया जा रहा है, कितने बजे जारी किया जा रहा है, कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे भाई, वीडियो के अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 38,83,770 जी हाँ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने CBSE बोर्ड की परीक्षाएँ दी हैं, जिसमें 10वीं के स्टूडेंटों की संख्या 21,86,000 है, वहीं 12वीं के स्टूडेंटों की संख्या 16,96,000 है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CBSE ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, यानी कि भाई 20 अप्रैल को ही CBSE बोर्ड की सभी कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त हो चला था। CBSE बोर्ड लगातार आपके जो रिजल्ट्स है उसको चेक कर रहा है, यानी कि एक बार रिजल्ट्स आपका तैयार कर लिया गया है वो उसको एक बार फिर से रिवाइज किया जा रहा है, ताकि किसी भी विद्यार्थियों के मन में शंका ना हो कि हमें कम अंक दिए गए हैं। जी हाँ, वहीं मैं आपको बता दूँ, CBSE की तरफ से इस बार तकरीबन 2.5 से 3 लाख विद्यार्थियों की मेरिट है भाई, यानी कि 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, इस बार टॉपरों की लिस्ट भी CBSE बोर्ड जारी करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आपका परीक्षा परिणाम 5 मई को 12वीं कक्षा का जारी किया जा सकता है। उसी के साथ साथ 10वीं की बात करें तो 10वीं का परीक्षा परिणाम 9 से 12 मई के बीच जारी किया जा सकता है। प्रत्येक जानकारी मिलती रहेगी, चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।